और आज की इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में बीमारी आने वाली है तो पशुपालक सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। तो ये जो आप भैंस देख रहे हैं, बारिश हो रही है और ओनर ने कहा है कि इसके जबड़े के नीचे सूजन आ रही है और हमें क्या करना चाहिए और ये क्या बीमारी हो सकती है। तो इसमें साथियों दो तरह की बीमारी क्रिएट हो रही है, या तो इसको लीवर फ्लू है या इसको साथियों HS है, गलघोंटू रोग है। तो सबसे पहले हम गलघोंटू रोग के ऊपर विस्तार कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर साथियों बरसात के मौसम में गलघोंटू रोग ज़्यादा प्रभावित करता है पशुओं को और पशुओं को सांस लेने में परेशानी होती है और पशु की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले गलघोंटू में साथियों पशु को बुखार आता है और चारा खाना छोड़ देता है और जबड़े के नीचे हल्की सूजन आने लगती है, लेकिन साथियों सूजन जो है कठोर होती है, ठोस होती है और गर्म होती है और पशु की ब्रीथिंग में समस्या आती है। पशु की ब्रीथिंग जब करता है तो सांस लेने में आवाज़ करता है, मुँह से झाग आने लगते हैं। ऐसे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि पशु जो है गलघोंटू रोग से पीड़ित है। लेकिन ये जो आप भैंस देख रहे हैं जिसके जबड़े के नीचे सूजन आई हुई है, ये साथियों लीवर फ्लू के सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। लीवर फ्लू में साथियों चारा भी पशु खाता है, बुखार भी नॉर्मल होता है और थोड़ा उसका जो गोबर है उसमें म्यूकस जैसा आने लगता है लीवर फ्लू में। और साथियों ये भैंस जो है 8 महीने की एडवांस प्रेगनेंट है और लीवर फ्लू बीमारी से ग्रसित है। तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे इलाज करना चाहिए पूरा विस्तार से बताऊंगा। वीडियो पर पहली बार आएँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों आम तौर से बरसात के मौसम में ज़्यादातर लीवर फ्लू बहुत कम देखने को मिलता है और HS ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस भैंस को पक्का श्योर है कि लीवर फ्लू की जो सूजन होती है जब हम उसको टच करेंगे तो साथियों जबड़े के नीचे पानी सा महसूस होगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, तो समझ लें आप लीवर फ्लू है। और लीवर फ्लू की बीमारी का इलाज है साथियों नीलजान सिरप, यानी जिसमें जिस दवा में ऑक्सीक्लोजानेट लिवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है उस दवा को आप आँख मीच के पिला दें और 24 से 36 घंटे के बाद पशु की सूजन जो स्वेलिंग आई हुई है जबड़े के नीचे वो नॉर्मल हो जाएगी, सूजन गायब हो जाएगी। और ज़्यादातर ये सूजन साथियों सुबह में आती है, इवनिंग में ख़त्म हो जाती है, कभी कभी इवनिंग में आती है और सुबह में ख़त्म हो जाती है। लीवर फ्लू की जो सिम्टम्स होते हैं ये ज़्यादातर ऐसे होते हैं। ये साथियों जब इनकी जनसंख्या लीवर फ्लू की लीवर पे ज़्यादा पड़ जाती है, ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कीड़े, तो तब जाके ये क्रिएट होती है सूजन, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है जबड़े के नीचे और इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस बीमारी का साथियों इलाज यही है कि आपने पेट के कीड़ों की दवा दे देनी है जो प्रेगनेंसी सेफ है। आप इसमें फेनबेंडाजोल 3 ग्राम भी दे सकते हैं, वो भी आप बिल्कुल पक्का श्योर है प्रेगनेंसी, लेकिन नज़दीकी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। और पशु को अगर पशु ज्ञावन नहीं है तो साथियों उसको लगातार 10 से 15 दिन तक आपने लीवर टॉनिक देना है। लीवर टॉनिक साथियों इससे ये होता है कि लीवर पे जो इफेक्ट हुआ है, लीवर पे जो हानि हुई है वो जल्दी जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा और पशु को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लीवर टॉनिक साथियों आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, ब्रोटॉन ले सकते हैं, वीरबूस्ट ले सकते हैं या विटाकाइंड ले सकते हैं, तो ये पशुओं के लिए काफ़ी हेल्दी हो सकता है। तो बरसात के मौसम में आप कली का छिड़काव रखें जिससे बैक्टीरिया ना आ सके डेयरी फार्मिंग में, ये बहुत ही अच्छा एंटीटोड है। और साफ़ सफाई रखें बरसात के मौसम में, और कभी भी बरसात हो रही है तो अगर ऐसी बीमारी आपको देखने के मिल रही है कि पशु के नीचे सूजन आ रही है तो वहाँ पर बरसात में उसको ना बांधें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।